हेलो एवरीवन, सो वेलकम अगेन टू अ न्यू वीडियो। आज हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ने जा रहे हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है। बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड शुरू कीजिए, तो आज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम पढ़ेंगे और बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे। अगर मैं आपको बताऊँ तो ये सबसे आसान तरीका है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करने का। ठीक है, अभी तक आपने एक मेथड पढ़ा है जिसका कि नाम था बाय फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में तो हमें फैक्टर फाइंड आउट करने में, ये सबसे इजी मेथड है। और बुक में या कहीं और आप पढ़ते हो तो आपको लगता है यार ये तो सबसे ज़्यादा मुश्किल है, और जब एग्ज़ाम में इस टॉपिक पे क्वेश्चन आता है तो स्पेसिफाई करके आता है कि सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो आज हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से, आपको बहुत मज़ा आएगी। वीडियो पूरी एंड तक देखना, सारे एनसीईआरटी के एग्जांपल्स में सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद एक्सरसाइज भी करवाऊंगा, तो बने रहना पूरे वीडियो में। चलो शुरू करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें मतलब पता होनी चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए और पता भी होगी, आई होप सो, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। सबसे पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, ए माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है, मतलब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि बी स्क्वायर की वैल्यू चाहे ए प्लस बी स्क्वायर लिखो चाहे ए माइनस बी स्क्वायर लिखो, दोनों में ही पॉजिटिव होती है, बस फर्क इसमें आता है। ठीक, अच्छा अब समझो, अब आपको क्या करना है, एक चीज़ ये याद रखनी है कि अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर लिख रहा हूँ, पहला पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए वो ये है, दूसरा पॉइंट ये है और तीसरा पॉइंट ये है। ठीक, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर है, इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट फोर। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू हम लिखेंगे प्लस माइनस टू। इसका क्या मतलब है कि प्लस टू का स्क्वायर करोगे तब भी फोर मिलेगा, माइनस टू का स्क्वायर करोगे तब भी फोर मिलेगा। तो अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू फोर लिखा है तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस टू होगी, ना कि सिर्फ प्लस टू। ठीक है, तो आपको एक तो ये बात याद रखनी है। वैसे ये सब बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, आपको पता होंगी, बट फिर भी मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ क्योंकि इन सब चीजों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एक चीज आपको और याद रखनी होगी, अगर मैं लिख रहा हूं माइनस फोर का स्क्वायर, ठीक, तो इसको मैं अगर ये लिख दूं तो क्या कोई गलत है, नहीं भाई, सेम चीज है भाई, माइनस फोर का स्क्वायर भी 16 आएगा और फोर का स्क्वायर भी 16 आएगा। ठीक, तो अगर माइनस फोर का स्क्वायर है तो आप उसको प्लस फोर का स्क्वायर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये चार चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में लिख दूं तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर, ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये चार पॉइंट्स नोट कर लो। अब मैं आपको बताता हूँ रूल्स क्या क्या होंगे स्टेप वाइज। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने नोट कर लिया होगा आई होप, कैसे स्टार्ट करना है किसी भी क्वेश्चन को, कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, अच्छा सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे स्टेप नंबर वन में आपको क्या करना है, मेक द कोफिशियंट ऑफ, अगर आपको लग रहा है कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूं तो 1.5x पे आप करके देख लेना। ठीक है, मेक द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एज वन। ठीक, आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, और सपोज आपके पास ये इक्वेशन है, आपके पास इक्वेशन है टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है टू। ठीक, आपको इस पर ध्यान देना है। अब आपको क्या करना है, इस कोफिशियंट को वन बनाना है। अब आप वन कैसे बनाओगे, ठीक है, तो वन बनाने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना, इस टाइम पे कोफिशियंट क्या है, कोफिशियंट क्या है, कोफिशियंट है टू,
इस पूरी इक्वेशन को आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि खाली इसको तो 2 से डिवाइड कर नहीं सकते, और अगर पूरी इक्वेशन को 2 से इधर भी डिवाइड करोगे इधर भी डिवाइड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे। अगर कोई इक्वेशन लिखी है 2x + 1 = 2, यहाँ पे लिखा है 7x - 2, ये इक्वेशन लिखी, इस पूरी इक्वेशन को इधर भी 2 से डिवाइड कर दो इधर भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर सकते हैं, बट हमें दोनों साइड करना होता है, ठीक। इस इक्वेशन को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो जब इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से डिवाइड करोगे तो इक्वेशन कुछ ऐसे दिखेगी, देखो भाई इस पूरी इक्वेशन को डिवाइडेड बाय 2, तो 2 डिवाइडेड बाय 2 1 हो गया, 7 डिवाइडेड बाय 2 7 बाय 2 हो गया, और 3 3 बाय 2 हो गया, 0 बाय 2 0 बाय 2 का मतलब क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, ठीक है। अच्छा अब देखो, जब आपने कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लिया, उसके बाद स्टेप नंबर 2 देखो क्या करना है। स्टेप नंबर टू में आपको क्या करना है, अब देखो कोफिशियंट ऑफ एक्स को मैं लिख देता हूं, मेक कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय 2 करो, एक्स का जो कोफिशियंट है ना उसको 2 से डिवाइड करो और उसका होल स्क्वायर करो, ठीक। इसको 2 से डिवाइड करो, मेक हटा देता हूं मैं, कोफिशियंट ऑफ एक्स बाय 2 को होल स्क्वायर करो, बाय 2 करके होल स्क्वायर करो, इसको एड एंड सब्ट्रैक्ट, एड एंड सब्ट्रैक्ट। अच्छा अब देखो, अब यहां पे बेटा x का कोफिशियंट क्या है, x का कोफिशियंट है -7/2, तो -7/2 x का कोफिशियंट है बेटा, इसको बाय 2 करना है। अब बाय 2 करने के बाद क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। अब बाय 2 भाई, कुछ बच्चे तो यहां भी कंफ्यूज जाएंगे, कुछ नहीं लिखा भाई, ऐसे लिखा है -7/2 / 2, नीचे 1 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो रिवर्स कर दो, मल्टीप्लिकेशन का साइन लग के रिवर्स कर दो, यही तो है ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -7/4 का होल स्क्वायर हो गया ये, ठीक। अच्छा अब आप मेरे को बताओ, अभी मैंने आपको बताया कि चार चीजों की जरूरत है, कि अगर -4 का होल स्क्वायर लिखा है तो इसको हम 4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो -7/4 अगर नेगेटिव आ रहा है तो उसको आपको किस में कन्वर्ट कर देना है, पॉजिटिव में। अब इस नंबर को आपको क्या करना है, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, दैट्स इट, स्टोरी फिनिश, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूं, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लिया, सबसे आसान काम, एक्स का कोफिशियंट जो भी 2 है 3 है 5 है 4 है, पूरी इक्वेशन को उससे डिवाइड कर दो, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट 1 हो जाएगा, बाकी सबके नीचे वो नंबर आ जाएगा, इधर 0 कोई मतलब नहीं। उसके बाद क्या करना है, ये जो वैल्यू है एक्स का कोफिशियंट उसको 2 से डिवाइड करो, अगर वो नेगेटिव है तो उसका नेगेटिव साइन खलास खत्म, 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर कर दो, और उसका स्क्वायर करने के बाद आपको ये नंबर मिला 7/4 का होल स्क्वायर। इस नंबर को इस पूरी इक्वेशन में इस नंबर को क्या करना है, आपको ऐसे करना है कुछ, ठीक। इक्वेशन लिख ली, अब क्या करो, इक्वेशन यहां तक लिख ली, अब इस नंबर को ऐड कर दो, इस नंबर को ऐड कर दो और इस नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, खेल खत्म, खेल खत्म, पूरी इक्वेशन। अब ये जो नंबर आया 7/4 का होल स्क्वायर -7/4 का होल स्क्वायर = 0, कुछ नहीं करना, बस इतना सा काम करना है, इस चीज को आप नोट कर लो। अब एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि हम इन दोनों स्टेप्स को कैसे अप्लाई करेंगे और उसके बाद का प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इन दोनों स्टेप्स को बहुत ही ध्यान से आपको नोट जरूर करना है। क्वेश्चन लेता हूं मैं,
ये एक क्वेश्चन है। स्टेप नंबर वन क्या है बच्चों? स्टेप नंबर वन है एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को वन बनाना। यहाँ पे थ्री है, पूरी इक्वेशन को थ्री से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन को थ्री से जब आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? दिस डिवाइडेड बाई थ्री। अब हर टर्म थ्री से डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव बाई थ्री एक्स प्लस टू बाई थ्री एक्स इक्वल टू जीरो बाई थ्री विल बी जीरो। खेल खत्म। अब क्या करोगे बेटा? अब आप करोगे, ये क्या है, ये b का कोफिशियंट है। मैं यहां पे कुछ कैलकुलेशंस आपको करके दिखा देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। b का कोफिशियंट क्या है? b का कोफिशियंट है माइनस फाइव बाई थ्री। माइनस फाइव बाई थ्री आपको क्या करना है बेटा? माइनस फाइव बाई थ्री को टू से डिवाइड करना है और इसका होल स्क्वायर करना है। तो जब माइनस फाइव बाई थ्री को आप टू से डिवाइड करोगे तो कैसे करोगे भाई? माइनस फाइव बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू। जब डिवाइडेड बाई होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है बाई टू। इट मीन्स ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक। अब जब भी मैंने आपको बोला स्क्वायर करते टाइम अगर ब्रैकेट के अंदर नेगेटिव आ रहा है तो उसको आप हटा सकते हो, उसको आप सिर्फ ये नंबर लिख सकते हो, क्योंकि माइनस टू का स्क्वायर करो या टू का स्क्वायर करो एक ही बात है। अब आपको क्या करना है, ये नंबर आ गया 5 बाई 6 का होल स्क्वायर, इसको इस इक्वेशन में एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। देखो बेटा कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर पूरी इक्वेशन लिख लो प्लस 5 बाई 6 का होल स्क्वायर। अब देखना जादू होने वाला है। अब क्या होने वाला है? जादू। कैसे? देखो मैंने आपको सिखाया क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक, यही दो आइडेंटिटीज का खेल है। अब आपको देखना है कि यहां पे कौन सा नंबर है, x के साथ क्या है। x के साथ अगर नेगेटिव साइन है, एक्स के साथ अगर नेगेटिव साइन है बेटा, इट मींस ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। क्यों? क्योंकि इसी में माइनस का टू ए भी आता है, तो ये एक्स के साथ नेगेटिव किस में आ रहा है, इस वाले नंबर में आ रहा है। तो आपको ए माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करनी है। अगर एक्स वाले टर्म के साथ में पॉजिटिव आ रहा है तो आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। अब देखो कैसे, एक्स वाले टर्म के साथ में नेगेटिव आ रहा है, इट मींस ये वाली आइडेंटिटी यूज होगी। यूज कैसे करनी है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको हमेशा ही इन भाई साहब को उठाना है। किसको उठाना है? पॉजिटिव वाले भाई साहब को उठाना है। किसको उठाना है? पॉजिटिव वाले भाई साहब को उठाओ, एक्स स्क्वायर को उठाओ, सुनते जाना पूरी बात, और ये जो एक्स वाला टर्म है इसको उठाओ। पॉजिटिव जिसके आगे पॉजिटिव लगा, क्योंकि हम प्लस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर ऐड करेंगे और माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर ऐड करेंगे, तो जो पॉजिटिव वाला नंबर है बच्चे आपको सिर्फ उसको उठाना है। एक्स के साथ नेगेटिव उसको उठा लिया और एक्स स्क्वायर को उठा लिया, इन तीनों को उठाया और इन तीनों को निपटा दिया। किससे निपटा दिया? आपको लिखना है यहां पे एक्स, माइनस लगाना है। क्यों? क्योंकि एक्स के साथ में माइनस है, माइनस, और ये अंकल जी आ गए। खेल हो चुका है खत्म। ये निपट गए, ये भी निपट गए और ये भी निपट गए। बचा कौन? ये बचे और ये बचे। अब इनको लिख लो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे हो गया। टू बाई थ्री माइनस फाइव बाई सिक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा अब देखो, अब आपको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व कर लो बेटा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? 2 बाई थ्री माइनस ये कितना हो जाएगा 25 बाई 36। एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आ जाएगा 36 आ गया। अब देखो 3 12 टाइम्स जाएगा, 12 थ्री 36, 12 टू 24 माइनस कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा माइनस 25। ठीक, इक्वल टू जीरो। और ये चीज़ हू बहू ऐसे ही आप
उतार दो, ठीक, बीच में प्लस का साइन लगा दो, इक्वल टू जीरो बना दो। अब देखो x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस कितना बचा बेटा यहाँ पे, 24 माइनस 25 माइनस का 1 बचा। क्या ब्रैकेट को हटा सकते हैं? बिल्कुल हटा सकते हैं। क्या प्लस साइन भी हटा सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 1/36 है बेटा। अब इस माइनस के 1/36 को आप उस साइड भेज दो, मैं इस इक्वेशन को अब यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। अच्छा, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये 1/36 इधर चला जाएगा, ओके। अब देखो अब क्या करना है, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 गिवन है तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा, अंडर रूट 4, जो कि होगी प्लस माइनस 2। तो एक्स स्क्वायर, इस पूरे को एक नंबर मानो, इस पूरे को एक नंबर जब मानोगे तो इसका स्क्वायर बराबर ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू होगी बेटा इसका अंडर रूट, ठीक। अच्छा अब देखो अब क्या होगा, x माइनस 5/6 इक्वल्स टू क्या आएगा, अंडर रूट 4 किया तो प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2, तो 1/36 का अंडर रूट क्या होगा बेटा, प्लस माइनस 1/6 होगा। ये चीज बस याद रखनी थी कि प्लस माइनस 1/6 होगा, ठीक। अब देखो a की वैल्यू, मानो ये कोई नंबर a है, इसकी वैल्यू प्लस 1/6 भी है और माइनस 1/6 भी है, प्लस 1/6 भी है और माइनस 1/6 भी है, ठीक। अब इसको हम दो बार में सॉल्व करेंगे, एक बार x माइनस 5/6 की वैल्यू को हम कंसीडर करेंगे प्लस 1/6, x माइनस 5/6 की वैल्यू एक बार लेंगे हम प्लस 1/6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 1/6, और ये प्लस 5/6 इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 6/6 मींस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। और केस नंबर 2 में हम क्या करेंगे, केस नंबर 2 में हम x माइनस 5/6 की वैल्यू को माइनस वाली कंसीडर करेंगे, x माइनस 5/ x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस 1/6, और ये प्लस 5/6 इधर आ गया, तो ये कितना है, 5/6 माइनस 1/6, तो ये हो जाएगा 4/6 इक्वल्स टू 2/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो x की भाई दो वैल्यूज आ गई, x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 2/3, x equals to 1 और x equals to 2/3। अच्छा भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। हमें कैसे पता कि भाई हमारा आंसर सही आया, क्यों, क्योंकि भाई बहुत लंबा सा मेथड है, सॉल्व करते करते कहीं बीच में कुछ गलती ना हो गई। पहली चीज तो x square है तो x की दो वैल्यूज आएंगी। आपने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इससे पहले के वीडियोस नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पूरी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, इसके पहले तक की मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, ठीक है। अच्छा, x की वैल्यू 1 और 2/3, हमें नहीं पता भाई सही आया या गलत आया। हम क्या करेंगे, हम चाहे तो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें चेक कर, पुट करके चेक कर लें, चाहे तो ये इक्वेशन, क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही तो है, इसमें हमने 3 से बस डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें चेक करके रख लेंगे रफ में, करके नहीं देखना हमें, वहां एग्जाम में नहीं करना, बट अपने सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का अगर आ गया तो आपको डर ना लगे कि भाई मैंने सही किया या गलत किया। तो क्या करें भाई, वैल्यू पुट करके देखो, अगर इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो दोनों साइड जीरो आना चाहिए, तो x इज इक्वल टू 1 पुट करो, 3x² 3 1 हो जाएगा, x² 1 का स्क्वायर 1 माइनस 5 5 इंटू 1 1 प्लस 2, तो कितना हो गया बेटा, 3 माइनस 5 प्लस 2 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0, इट मीन्स पहली वैल्यू हमारी करेक्ट आ गई। दूसरी वैल्यू पुट करते हैं, दूसरी वैल्यू पुट करो भाई, 3x² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/3 का होल स्क्वायर 4/9 हो गया, माइनस 5 2/3 प्लस 2, ये वैल्यू जीरो आनी चाहिए, 3 से 3 कैंसिल हो गया बेटा, ये बच गया 4/3, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10/3, और ये कितना हो गया बेटा, 2 इक्वल टू 0।
ठीक है, कुछ मिस्टेक तो नहीं हो रही, सब ठीक है। अच्छा अब देखो 4/3 - 10/3 - 6/3 + 2 - 6/3 - 2 - 2 = 0, 0 = 0 मीन्स हमारा आंसर दूसरा वाला भी सही आ चुका है। इसका मतलब भाई जो मेहनत करी वो सफल हो गई। अब देखो भाई खेल खत्म हो गया, x के दो वैल्यूज आ गए। अब एक बार फिर से देख लो कि ये हमने मेथड किया कैसे, डिवाइड कर दिया कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बाद x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बना चुके हैं हम, उसके बाद हमें क्या करना है, अगर b का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो उसको डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, और उसके बाद उस नेगेटिव नंबर को हमें पॉजिटिव में बदल देना है, नेगेटिव का स्क्वायर इज इक्वल टू पॉजिटिव का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद उस नंबर को हमें ऐड करना है और सबट्रैक्ट करना है। उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने एक्स स्क्वायर को उड़ाया, एक्स वाले टर्म को भी उड़ा दिया, और जो प्लस वाला टर्म हमने ऐड किया था, एक पॉजिटिव ऐड किया एक नेगेटिव ऐड किया, क्योंकि ऐड एंड सबट्रैक्ट किया हमने, तो जिसके आगे प्लस लगा था उसको भी उड़ाया। इन तीनों को उड़ा के मैंने लिखा क्या, मैंने लिखा एक्स, लिखा क्योंकि एक्स वाले टर्म में नेगेटिव था तो एक माइनस का साइन लगाया, और ये जो 5/6 का होल स्क्वायर था इसका 5/6 यहाँ पे लिखा। ये क्यों किया, देखो भाई एक बार इसको समझ लो, एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर जरा आप ओपन करो, एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर ओपन करो, कितनी वैल्यू मिलेगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी, तो x इंटू 5/6, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 2 से 6 कट गया 3 बचा, तो कितना बचा माइनस का 5x/3, देखो 5x माइनस का और अपॉन 3, तो क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं, आप समझो, देखो 5x/3 देखो ये रहा, एक्स स्क्वायर देखो ये रहा, और प्लस का 5/6 स्क्वायर देखो ये रहा, तो 1, 2, 3 इन तीनों की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, एक्स माइनस 5/6 का होल स्क्वायर, ऐसे किया मैंने इसको, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि अगर एक्स वाले टर्म का साइन नेगेटिव है तो हमें ए प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, अगर यहाँ पे बेटा प्लस होता तो मैं यहाँ पे प्लस करता, लेता मैं फिर भी प्लस वाले नंबर को ही, माइनस को छोड़ देता, तुम जाओ बेटा माइनस तुम जाओ, इसके साथ जो हमारा कांस्टेंट नंबर है माइनस वाले टर्म को उसके साथ हमें ऐड करना है, हमें चाहे यहां प्लस हो या माइनस हो हमें लेना पॉजिटिव स्क्वायर वाला नंबर ही है जिसके आगे पॉजिटिव साइन लगा है, और बस हमें क्या करना है यहां पे हम x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर कर देते हैं, क्यों, क्योंकि a प्लस बी स्क्वायर करो चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करो ये नंबर तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हमेशा ही रहता है, ठीक है। तो अब हम करके देखेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन, प्लीज नोट इट डाउन। अब देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x² - 5x + 3 = 0, ठीक है। क्या करेंगे हम, सिंपली एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को 1 बनाएंगे, तो क्या करेंगे इस पूरी इक्वेशन को हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट से 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। देखो बेटा कैसे करेंगे, इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x + 3/2 = 0। अब सेकंड काम क्या है मेरा, सेकंड काम है मेरा बी बाई टू का होल स्क्वायर करेंगे हम, और उसको ऐड करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो ये काम मैं साइड में कर लेता हूँ, b की वैल्यू बेटा कितनी है माइनस 5/2, तो हम क्या करेंगे माइनस 5/2 का 2 से डिवीजन, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी बेटा माइनस 5/4। अब बार बार बता रहा हूं आप माइनस का a स्क्वायर लिखो या ऐसे लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस 2 का होल स्क्वायर भी 4 है और 2 का स्क्वायर भी 4 है, तो इसको आप लिख दो 5/4 का होल स्क्वायर, हेल खत्म हो चुका है। अब इस नंबर को आपको एक बार इस पूरी इक्वेशन को लिखने के बाद प्लस करना है और एक बार माइनस करना है, ठीक है भाई कर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस
5/2x प्लस 3/2, एक बार इसको ऐड कर लो और एक बार इसको सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक, अब किस किस को खलास करना है? यहां पे क्या है, x वाले टर्म के आगे क्या है, माइनस। आइडेंटिटी कौन सी, आइडेंटिटी ये वाली। ठीक, अच्छा किस किस को उड़ाएंगे, जाओ भाई तुम भी जाओ। और प्लस 5/4 का होल स्क्वायर ऐड किया और माइनस 5/4 का होल स्क्वायर ऐड किया, उड़ाएंगे किसको? प्लस वाले की ही बलि चढ़ेगी हर बार, माइनस वाला बच जाएगा। तुम भी जाओ। अब इस सब की जगह लिखेंगे क्या, इस सब की जगह लिखेंगे x, क्योंकि यहां पे x की कोफिशियंट नेगेटिव है तो माइनस लगाएंगे। और क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म। हो गया हमारा काम खत्म। क्या बचा, 3/2 और माइनस का 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो आप कितने शॉर्ट में ये क्वेश्चन हो जाएगा, x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस कितना हो जाएगा बेटा, ये 25/16। ठीक, अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 16। 2 8 16 8 3 24 माइनस 16 1 16, 25 1 2 1 25 इक्वल्स 0। x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर यहां पे कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 1/16 इक्वल टू 0। तो प्लस साइन हटा दो, ये ब्रैकेट भी हटा दो भाई, कॉपी में तो कर नहीं पाओगे, कॉपी में तो अलग स्टेप में ही लिखना पड़ेगा। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको यहां पे कर देता हूं, ये हो जाएगा बेटा x माइनस 5/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1/16 विल गो देयर एंड इट विल बिकम 1/16। ठीक है, अब देखो वही चीज फिर से आ गई, इस पूरे को एक नंबर मानो, x का स्क्वायर इस पूरे को कैपिटल x मानो, कैपिटल x स्क्वायर इज इक्वल टू कोई नंबर है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ दिस। बहुत बेसिक सी चीज है, आपको पता होगी। तो जब अंडर रूट लगाएंगे तो हम दो वैल्यूज लेंगे, 1/16 का अंडर रूट क्या होगा, 1/4, बट प्लस माइनस 1/4। क्यों, क्योंकि माइनस 1/4 का स्क्वायर भी 1/16 होगा और प्लस 1/4 का भी, तो प्लस और माइनस 1/4। अब एक बार हम इस नंबर को इक्वल टू प्लस 1/4 लिखेंगे और सेकेंड टाइम इस नंबर को हम इक्वल टू माइनस 1/4 लिखेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम क्या करें बेटा, इक्वल टू प्लस का 1/4, तो दिस विल गिव अस 1/4 प्लस 5/4, इट विल बी इक्वल टू 6/4, दैट विल बी इक्वल टू 3/2। एंड सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे, सेकेंड टाइम हम इस नंबर को रखेंगे इक्वल टू x माइनस 5/4 को हम रखेंगे इक्वल टू माइनस 1/4। ठीक, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस 5/4, 5/4 माइनस 1/4, 4/4, दैट इज इक्वल टू 1। x की एक वैल्यू 1 और एक वैल्यू 3/2। हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। आई होप आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझ में आए होंगे कि आपको किसको किसको खलास करना है, किसको हटा के क्या करना है। यहां पे बस ध्यान देना है, अगर ये स्टेप हो गया, यहाँ पे आपको क्या करना होता है, प्लस माइनस, उसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म उड़ाओ, एक्स वाला टर्म उड़ाओ और प्लस वाला टर्म उड़ाओ, एक्स प्लस ये वाला जो स्क्वायर वाला टर्म है जिसके आगे प्लस लिखा है उसको लिख दो। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन, बाकी बची हुई चीज़ को लिख दो, इसको सॉल्व कर लो, उसको राइट हैंड साइड पर लेके जाओ, अंडर रूट लगाओ, दो वैल्यूज मिलेंगी, एक्स की दो वैल्यूज प्लस 1 और 3/2 मिल गई। अब आपको क्या करना है, चेक करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वैल्यूज जब आप 1 इसमें रखोगे तो दोनों साइड इक्वल टू 0 आ रहा है, चाहे आप इसमें रख लेना चाहे आप इसमें रख लेना, और 3/2 भी रख के एक बार देख लेना, अगर दोनों साइड इक्वल टू 0 आ रहा है इट मींस हमने क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व किया है। नोट इट डाउन। ये भी बेटा एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है। ठीक, देखते हैं, वही काम करना है, सेम टू सेम।
एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को हमें 1 बनाना है, 5 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा बेटा ये एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाई 5x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आ गया हमारा सेकंड स्टेप, जिसको कि हम रफ में करते हैं। ठीक, कोफिशियंट ऑफ x कितना है, माइनस 6 बाई 5, क्या करेंगे माइनस 6 बाई 5 डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर करते हैं, ना हो जाता है ये माइनस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर हो जाता है, और इस माइनस साइन को भी हम उड़ा के 6 बाई 10 का होल स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं होगी। ठीक, अब 6 बाई 10 के होल स्क्वायर को हमें क्या करना है, एड और सब्ट्रैक्ट। तो देखो क्या करेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 6 बाई 5x माइनस 2 बाई 5 प्लस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर माइनस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर इक्वल्स 0। खलास करने की बारी आ गई भाई, उड़ा दो उड़ा दो उड़ा दो। कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे, तो क्योंकि x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो x के बाद साइन आएगा नेगेटिव, और उसके बाद लिख देंगे हम इसको सिंपल, लगा देंगे होल स्क्वायर। ऐसा क्यों हुआ, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया। अब क्या बचा, ये बचा और ये बचा, इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2 बाई 5 माइनस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक बेटा, अब देखो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको बस सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये माइनस 2 बाई 5 हो जाएगा माइनस 36 बाई 100। अब क्या करना, एलसीएम लेने का काम रह गया, तो एलसीएम लेने के लिए हमें क्या करना, यहाँ पे आएगा 100। ठीक, यहाँ पे कितना बचेगा, 20 टाइम्स जाएगा, 22 जा 40। अच्छा, यहाँ पे ही माइनस है, यहाँ पे ही माइनस है, आप एक माइनस साइन कॉमन लेके यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो। ठीक, अंदर की सारी चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, 100 से 100 डिवाइड, You'll get 36. Any problem? I don't think so. ठीक, अच्छा equal to 0 हो गया, ये कोई problem नहीं आ रही अभी तक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, x minus 6 by 10 का whole square, ये कितना हो गया बेटा, 40 plus 36, 76 by 100 minus का है, उधर जाएगा को हम अगर यहाँ पे काट लें तो ये मिल जाएगा हमें 4 1 4 4 9 36 4 2 8 4 5 25। ठीक है, तो x माइनस 6 बाई 10 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 19 बाई 25। ठीक बेटा, अगर हम स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 19 का अंडर रूट 19 ही रहेगा, ये 25 का 5 हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 19 बाई 5। तो एक बार प्लस वैल्यू यूज़ कर लो, एक बार माइनस की वैल्यू यूज़ कर लो, फर्स्ट टाइम पे आप प्लस वैल्यू यूज़ करोगे, एक्स माइनस 6 बाई 10 इक्वल्स टू प्लस अंडर रूट 19 बाई 5। ठीक, तो ये आपको कितना दे देगा, ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट 19 बाई 5 प्लस 6 बाई 10। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, x इक्वल्स टू यू गेट 10, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 2 रूट 19 प्लस 6, जो कि आपको मिलेगा 6 प्लस 2 रूट 19 बाई 10 है, 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 5 जा 10, तो यहाँ पे अंडर रूट 19 बाई 5, और यहाँ पे 2 3 6 2 5 10, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 19 प्लस 3 बाई 5। पहली वैल्यू ये मिल गई, सेकंड वैल्यू कैसे मिलेगी, जब हम माइनस रूट 19 बाई 5 लेंगे, तो x माइनस 6 बाई 10 इक्वल्स टू माइनस रूट 19 बाई 5। ठीक बेटा,
अब देखो फटाफट से एलसीएम लेते हैं, माइनस रूट 19/5 माइनस 6/10, एलसीएम विल बी व्हाट 10, एक्स की वैल्यू कितनी होगी माइनस का 2√19 और यहाँ पे आएगा प्लस, क्योंकि ये माइनस 6/10 दे तो प्लस का 6/10 प्लस 6, यू विल गेट व्हाट 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, यू विल गेट माइनस ऑफ अंडर रूट 19 प्लस 3/5। ये दो वैल्यूज मिल गई, तो मैं आपको लिख देता हूँ इन वैल्यूज को, एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस √19/5 और एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस √19/5। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप एनसीईआरटी में सोल्यूशन देखोगे आप घबरा जाओगे, ठीक है, तो कोई डरना नहीं है, बेसिक्स स्ट्रांग रखने हैं, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, आप अपने बेसिक्स को स्ट्रांग रखिए बस। तो बेसिक्स आपको पता है, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को वन बनाना है, उसके बाद बी बाई टू का होल स्क्वायर एड और सब्ट्रैक्ट करके ए माइनस बी होल स्क्वायर या ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगानी है, नोट इट डाउन। इस सारे के सारे मैं आपको एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करवा रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो गया बेटा 4x² + 3x + 5 = 0, ठीक है। अब देखो वही सेम प्रोसेस, एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को हमें वन बनाना है, तो ये हो जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 4 से डिवाइड किया तो 3/4x + 5/4 = 0, ठीक। अच्छा अब देखो, अब क्या करना है हमें, इस टर्म को डिवाइड बाय 2 एंड देन क्या करना है 3/4। अब देखो ये पॉजिटिव है, ठीक, 3/4 को हमें 2 से डिवाइड करना है और उसका होल स्क्वायर कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 3/8 का स्क्वायर। इज दिस क्लियर? इस टर्म को एक बार ऐड और एक बार सब्ट्रैक्ट टू दिस इक्वेशन, पूरी इक्वेशन एक बार कॉपी करो, प्रोसेस बहुत सिंपल है, पता नहीं क्यों बच्चे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का नाम लेते ही भागने लगते हैं, ठीक, इक्वल टू 0। खलास करने की बारी आ गई भाई, जाओ तुम भी जाओ और तुम भी जाओ। और देखो यहाँ पे प्लस है, x का कोफिशिएंट प्लस है, इट मींस a प्लस b का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगेगी, और प्लस वाले को तो हमें निपटाना ही होता है, माइनस वाले को हम बख्श देते हैं, तो बेटा क्या होने वाला है ये x प्लस, क्यों अभी तक माइनस कर रहे थे बट यहाँ पे प्लस है, हम प्लस लेंगे और किसको लेंगे 3/8 को, 3/8 होल स्क्वायर। बचा क्या, बच गया 5/4 एंड माइनस 3/8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 अगेन। अब क्या करेंगे, अब देखो बेटा, अब हम x प्लस सॉल्व कर लेते हैं, 5/4 माइनस 9/, इफ आई एम राइटिंग स्लोली और टीचिंग वेरी स्लो देन यू कैन इंक्रीज द स्पीड, एलसीएम विल बी 64, 16 5 जा 80 माइनस 9 इक्वल्स टू, अब देखते जाना भाई यार थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये, ठीक, इसको मैं यहाँ पर करता हूँ, ये वैल्यू कितनी मिली 80 - 7 यू गेट 71/64। अच्छा यू गेट x प्लस 3/8 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली बेटा 71/64। अभी मैं इसको एक बार और ही लिख देता हूँ, इक्वल टू 0 x प्लस, अब देखो क्या होने लगा भाई, ये क्या हो गया सर, ये कैसे हो गया, कुछ बच्चे तो समझ नहीं पा रहे होंगे भाई, कुछ अलग भी हुआ है यहाँ पे, उनको तो सब कुछ सेम लग रहा होगा पहले जैसे ही, यहाँ पे कुछ अलग हुआ है, यहाँ पे अलग क्या हुआ है, अभी तक पिछले जितने भी क्वेश्चंस आप रिमाइंड करके देखो
जब हमने x प्लस समथिंग का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू किया है तो हमें एक पॉजिटिव नंबर मिला है, हमें एक पॉजिटिव नंबर मिला है। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इस चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखिए आप, बहुत ही काम की चीज है, आप मैथमेटिक्स आगे पढ़ रहे हैं आपको आगे भी काम आएगी। यहाँ पे एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर नेगेटिव, मैं केस ले रहा हूँ, सब भूल जाओ अभी ये सब कंप्लीटिंग द स्क्वायर वगैरह सब हटाओ, मैं क्या आपको बोल रहा हूँ, क्या 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा, माइनस 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 का स्क्वायर भी 25। क्या कभी किसी नंबर का आप स्क्वायर करो तो वैल्यू नेगेटिव आएगी? भाई अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या कभी भी किसी भी नंबर का आप स्क्वायर करो, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर भी 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 3 का स्क्वायर भी 9, 100 का स्क्वायर 10000, माइनस 100 का स्क्वायर सेम, मींस आप कभी भी किसी नंबर का स्क्वायर कर रहे हो, देखो ये कोई नंबर है ना, ये कोई नंबर है, मानो ये नंबर ए है, ए का स्क्वायर कर रहे हो आप, तो क्या ए का स्क्वायर कभी एक नेगेटिव वैल्यू देगा? भाई कभी भी नहीं देगा, ठीक है। अगर आप मेरी रियल नंबर वाली वीडियो को देखोगे जाके तो मैंने आपको बताया है ये कॉन्सेप्ट कि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे नंबर को सिर्फ आप सोच सकते हो कि भाई शायद कोई ऐसा नंबर हो, इमेजिन कर सकते हो, इट मींस ये नंबर कैसा है, इमेजिनरी नंबर है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे, अच्छा देखो एक्स प्लस 3/8 स्क्वायर हटा दिया, वही काम अपना जो हमेशा करते हैं, अंडर रूट लगाया माइनस 71/64 लिख दिया। इट मींस अगर रूट के अंदर अगर ऐसे लिखा है अंडर रूट 4 वैल्यू देगा 2, बट अगर ऐसे लिखा है अंडर रूट माइनस 4, भाई नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है, रूट के अंदर अगर नेगेटिव आ रहा है, इट मींस क्या हो रहा होगा, अगर ऐसे लिखा है मैंने एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो आप क्या लिखोगे, x इक्वल्स टू अंडर रूट 4, बट अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4, तो x इज इक्वल्स टू आप अंडर रूट ऑफ माइनस 4 लगाओगे, बट किसी भी नंबर का स्क्वायर तो नेगेटिव नहीं हो सकता, ऐसे नंबर को सिर्फ हम इमेजिन कर सकते हैं, इसलिए ऐसे नंबर को हम इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। तो जब भी आपको रूट के अंदर माइनस दिखे, अगर यहाँ पे दिखे माइनस कोई दिक्कत नहीं, बट अगर यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है बेटा, अगर आपको यहाँ पे माइनस दिख रहा है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, रियल नंबर नहीं है। तो हम लिखेंगे नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है भाई, ऐसा करके मत आ जाना कि इस माइनस को इग्नोर करके प्लस माइनस करके वैल्यू निकाल लिया, नहीं 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 भाई, ऐसा केस कब आएगा याद करो, ऐसा केस कब आएगा, जब आप के पास यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव में होगी, इधर जाके नेगेटिव हो जाएगी, जब इधर जाके नेगेटिव होगी तो एक पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, जब नेगेटिव हो जाएगा तो वो नंबर इमेजिनरी हो जाएगा। आप पीछे के क्वेश्चन देखना, कहीं पे भी ये नंबर पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा इधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये नंबर हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, नो रियल रूट्स एग्जिस्ट फॉर दिस इक्वेशन, ये हो गया आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड फिनिश, ठीक है। आगे वाले वीडियोस में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रिलेटेड और भी ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे, एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखेंगे, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, आगे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू।